ये अभी जो लोकसभा चुनाव हुए हैं उसमें ईवीएम पर सवाल उठाए जा रहे हैं, तो ईवीएम मशीन को लेकर आपका क्या कहना है? नहीं, सवाल नहीं, ये हकीकत है। कई जगह से हम पे फोटो भी आए, वीडियो भी आए मशीनों के अगर हाथी का बटन दबा रहे तो दब फूल कर रहा ऐसा। ये हर ईवीएम मशीन के कारण हुई, हमारी जनता के कारण नहीं हुई। हमारी जनता ने पूरा फुल वोट दिया हो, चाहे ग्वालियर हो, चाहे गुना हो चाहे मुरैना हो। ये तीन चार सीटों की तो मैं कह सकती हूँ कि ये हमारी तीनों सीटें जीत रही थी, और भोपाल की सीट भी हम जीत रहे थे। लेकिन ये ईवीएम मशीन की कलाकारी है कि हम चुनाव हारे। अच्छा, आपने भी मांग की है कि महाराज की जो हार हुई है उसको लेकर अब उनको अच्छा प्रतिस्थापित करना है दोबारा से, तो मध्य प्रदेश में क्या जिम्मेदारी? एक आप जानते हो, आपने सभी ने देखा है और प्रदेश भर जानता है कि ज्योतिराज सिंधिया एक ऊर्जावान नेता हैं, एक विकास के मसीहा हैं और अच्छे काम करने वाले हैं। गरीबों की, पिछड़ों की, सबकी, एससी के लोगों की, महिलाओं की, सबकी बात अच्छे से सुनने वाले हैं। तो ऐसे नेता को कोई अच्छी कमान मिले तो आगे 5 साल तक अच्छे अच्छे काम प्रदेश में होंगे, तो फिर ईवीएम मशीन भी फैल हो जाएगी। क्या क्या पद मिलना चाहिए उनको? नहीं, जो भी अच्छा पद हो वो मिलना चाहिए, जिसमें भी काम करने में उन्हें अच्छा लगे, चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो और भी हो, जो भी हो, अच्छा पद महाराज को देना चाहिए, राहुल गांधी जी को। जैसे हमारी कांग्रेस में अच्छी ताकत है, वो महाराज को जीत से और हारने से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो काम करते हैं और करते रहेंगे। कमलनाथ ने इस्तीफा दे दिया, आपको पता हुआ? नहीं, मुझे पता नहीं कि दिया कि, तो कल पता पड़ेगा। कल विधायक दल की मीटिंग है और कैबिनेट की मीटिंग भी है, कल बोल बताएंगे। तो जैसा नतीजों के बाद सिंधिया जी से बात हुई आपकी? नहीं, हमारी कोई बात नहीं हुई, ना फोन पे हुई ना हम गए। आपको व्यक्तिगत रूप से कितना बुरा लगा है? क्या बता सकते हैं आपको कितना बुरा लगा है, क्या ठीक।